एंड आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम, और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो खुदावंद आप सबको खुश रखे। जी तो गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ दोपहर को पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे साथ में पुलाव बना के दे, और उन्हें मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, तो वो बोले थे सफ़र में मैं साथ लेके जाऊँगा। तो मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स से रेसिपी भी इसकी शेयर कर लेती हूँ। तो आप हमारे साथ रहिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का पुलाव मैं कैसे बनाऊँगी। ओ जी फ्रेंड, ये देखें, हमने प्याज काट लिए हैं, 4 से 5 प्याज मैंने लिए हैं। तो इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा डलते हैं, मुझे तो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो 1 किलो ये हमारा चिकन है, और इसको हम बनाएंगे। और ये 2 टमाटर हैं बड़े, और इतनी सी मिर्ची जो है ना वो हम डालेंगे साबित, और ये चावल है राइस, और ज़्यादा मिर्ची जो है ना हमने वो पीस ली है। और इसमें मिर्ची हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं हरी वाली, क्योंकि पुलाव है तो ये स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है स्पाइसी पुलाव, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगी इसमें ऑयल डाल के, तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए गाइस, हमने अभी इसमें ऑयल डाल दिया, तो अभी हम इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे प्याज को, और फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। चावल भी आज मज़े से खाएंगे और आपसे भी शेयर करेंगे, आपने भी किसी ने खाने हैं तो वो आ सकता है, खा सकता है। हमने सोचा चलो आज इनके पापा जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो आज इनके साथ मिलके पुलाव खाते हैं दोपहर को। ओ ये देखिए फ्रेंड, हमारे प्याज हो चुके हैं ब्राउन, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और मिर्ची। ये देखिए थोड़ा सा हम पेस्ट इसका जो है वो बन जाएगा, जब तक तब तक हम इसको चलाएंगे। और ये साबुत जो हरी मिर्चें हैं ये बहुत मज़े की लगती है, जब चावल के साथ इसको तोड़ के खाते हैं ना बहुत मज़ा आता है। ये देखिए गाइस, ये इसका पेस्ट बन चुका है, अभी हम इसमें ग्रीन चिली और ब्लैक चिली डालेंगे, और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक भी डालेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये मिर्ची वाला पानी। इसका हमारा पुलाव जो है ना बहुत ही लजीजा बनने वाला है, बहुत टेस्टी टेस्टी। और हमें स्पाइसी बहुत पसंद है, इसलिए हमने हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली। तो जी फ्रेंड, अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, तो फिर हम इसको अच्छे से जो है ना फ्राई करेंगे चिकन को। ये देखो फ्रेंड, ये कितना अच्छा लग रहा है, ब्राउन ब्राउन कलर जो है ना सारा इसके ऊपर आ गया चिकन के। फ्रेंड ये देखो, हमारा चिकन हो चुका है फ्राई, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये देखे फ्रेंड, अभी हमने इसमें ऐड कर दिया पानी, अभी हम इसको ढक देंगे, तब जब तक पानी उबल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा पानी जो है उबल चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो
ये देखिए अभी इसमें ऐड करेंगे चावल। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड अभी हमने इसमें डाल दिए चावल, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो ये देखिए गाइस हमने इसमें ऐड कर दिए चावल, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो ये देखें गाइस फाइनली हमारा जो पुलाव है ना वो बस रेडी होने वाला है। 5 मिनट और लगेंगे दम पे, हम इसे रखेंगे फिर अच्छे से जो है ना। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, टेस्टी टेस्टी। अभी हम इनको दम पे लगाएंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम मज़े से खाएंगे सब। तो ये देखिए गाइस हमने इनको दम पे लगाना है। ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया। तो अभी 5 मिनट के बाद जो है ना हम इनको निकालेंगे फिर खाएंगे। तो जी फ्रेंड ये देखें अभी हमारा पुलाव जो है रेडी हो चुका है। ये देखें, ये देखें बस कच्ची। ये देखिए गाइस हमारा पुलाव जो है रेडी हो चुका है। अभी मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड खाएंगे सब मिलके हम मज़े मज़े से। स्टॉप कर। ये देखिए सबको इतनी भूख लग रही है, सब बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी चावल डाल के दे। तो अभी हम जल्दी जल्दी बच्चों को चावल डाल के देते हैं। अलग अलग प्लेट, ये बोटियाँ चोरी हो रही हैं इधर। ये मेरे हस्बैंड जो है ना सारी अपनी प्लेट में बोटियाँ डाल रहे हैं सबकी, निकाल निकाल के। ये देखिए इनको बोटियाँ बहुत पसंद है। जी फ्रेंड फाइनली जो है ना हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। कैसा लगा आपको पुलाव आज का? बहुत ज़बरदस्त, बड़ा VIP था। और थैंक यू सो मच, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने कहा कि आज पुलाव बनाते हैं, तो आपने पुलाव बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको भी खाना है तो आप आ जाएं और चेक करके मुझे बताएं कैसा। थैंक यू सो मच। नहीं आप मुझे थैंक यू मत बोलें, ये तो मेरा फर्ज है। और अनाया आपको कैसा पुलाव लगा? बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मेरे बच्चे खा रहे हैं और ये बहुत खुश होते हैं ये पुलाव खा कर ना, इनका बहुत पसंद है। कैसा लगा हारून? अच्छा लगा। अनाया और बोटी डाल के दूं? ये बोटियों की इतनी शौकीन है और सेहत देखे इसकी बनती नहीं। पापा को डाल के दे दी और बोटियां। और पापा की भी सेहत देख ले, इनके पापा की इनकी मम्मा देखो कुछ खाती भी नहीं है फिर भी इतनी मोटी है माशाल्लाह हेल्दी। और पप्पा देखो इतनी सारी बोटियां डाल के बैठे हैं फिर भी मोटे नहीं होते। भाई मुझे चिकन पसंद है इसलिए खाता हूँ, और वरना तो भुना हुआ गोश्त खाता हूँ। ऐसे में जो सालन तैयार करते हैं वो नहीं मैं खाता, मुझे वो पसंद नहीं। हाँ ये जब मैं फ्राई करती हूँ ना चिकन, तो ये बोलते हैं मुझे ये निकाल के थोड़ा सा दे दे, बस एक दो भी इनको मैं बोटी डाल के दे देती हूँ तो वो शौक से खा लेते। और जी फ्रेंड आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। और जब ये रुखसत होंगे यहाँ से लाहौर के लिए, तो फिर इनको दिखाऊंगी वीडियो में, वीडियो शेयर करूंगी। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।